राधे राधे फ्रेंड्स, ओम गम गणपते नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री राधे राधे, आप सभी भक्तजनों का इस नई वीडियो में स्वागत है। श्री योग वशिष्ठ महारामायण सरल हिंदी में। योग वशिष्ठ महारामायण संस्कृत साहित्य में अद्वैत वेदांत का अति महत्वपूर्ण पवित्र ग्रंथ है। इस महारामायण में महर्षि वशिष्ठ भगवान श्री राम को निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान देते हैं। विद्वानों के अनुसार आत्मा और परमात्मा, लोक और परलोक, सुख और दुख, जरा और मृत्यु, बंधन और मोक्ष, जीवन और जगत, जड़ और चेतन, ब्रह्म और जीव, आत्मज्ञान और अज्ञान, सत और असत, मन और इंद्रियां, धारणा और वासना आदि विषयों पर कदाचित ही कोई ग्रंथ हो जिसमें योग वशिष्ठ महारामायण में अधिक गंभीर चिंतन तथा व्याख्यान किया गया है। परंपरा अनुसार योग वशिष्ठ महारामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि को माना जाता है, परंतु वास्तव में महर्षि वशिष्ठ हैं। महर्षि वाल्मीकि इस पवित्र ग्रंथ के मात्र संकलन करता है। योग वशिष्ठ महारामायण में जगत की असत्ता और परमात्म सत्ता का दृष्टांतों से अच्छी तरह समझाया गया है। इस ग्रंथ में भारद्वाज के मोक्ष प्राप्ति की गई है, प्रश्नोत्तरी का भी वर्णन किया गया है। योग वशिष्ठ महारामायण वाल्मीकि रामायण से 4000 श्लोक ज़्यादा होने से इस ग्रंथ को महारामायण कथन हर तरह से सार्थक है। इस ग्रंथ में भगवान श्री राम की जीवन कथा न होकर भगवान द्वारा दिए गए आध्यात्मिक संदेश दिए गए हैं। आध्यात्मिकता का आखिरी सोपान है श्री वशिष्ठ जी का उपदेश। योग वशिष्ठ संस्कृत साहित्य में अद्वैत वेदांत का अति महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसमें ऋषि वशिष्ठ भगवान राम को निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान देते हैं। यह जम जाए ना तो सुनते सुनते बात बन जाए, और अगर नहीं जमता तो बार बार सुने बहुत फायदा होगा। धनवान या निर्धन होना, विद्वान या अविद्वान होना, सुंदर या कुरूप होना, यह शाश्वत नहीं है। योग वशिष्ठ महारामायण अत्यंत आदरणीय है क्योंकि इसमें किसी संप्रदाय विशेष का उल्लेख नहीं है। भारत के एक कोने से दूसरे कोने तक इसका पाठ मूल तथा भाषानुवाद में चिरकाल से होता चला आ रहा है, जो महत्व भगवत भक्तों के लिए भगवत पुराण और रामचरितमानस का है तथा कर्म योगियों के लिए भगवत गीता का है, वही महत्व ज्ञानियों के लिए योग वशिष्ठ का है। मंगलाचरण के साथ साथ विषय आदि प्रदर्शन करते हुए संक्षेप में शास्त्रार्थ का प्रदर्शन किया। अब उसी शास्त्रार्थ का उत्पत्ति आदि से विस्तारपूर्वक निरूपण करने के लिए श्रोताओं के विश्वास की दृढ़ता के लिए ग्रंथकार महामुनि वशिष्ठ और भगवान रामचंद्र जी के संवाद के आरंभ के पहले उपोद्घात रूप अव्याख्या कहते हैं। तीक्ष्ण नाम का कोई ब्राह्मण था। उसका हृदय अनेक प्रकार के संदेहों से भरा था। अतएव उसने महामुनि अगस्त्य के आश्रम में जाकर उनसे सादर प्रसन्न किया। श्रीकृष्ण ने कहा, भगवान, आप धर्म के तत्व को जानते हैं, संपूर्ण शास्त्रों का आपने भलीभांति मंथन किया है, मुझे एक बड़ा भारी संशय है, कृपा कर आप इसे दूर कीजिए। क्या मोक्ष का उत्पादक कर्म है, अथवा ज्ञान ही मोक्ष का व्यंजक है, या कर्म और ज्ञान दोनों मिलकर मोक्ष के साधन हैं? इन तीनों पक्षों में निश्चय करके किसी एक कारण को कहिए। यत्र दुखेन संभिनम इत्यादि श्रुति से स्वर्ग में नित्यत्व आदि का परिकरण करते हुए वास्तव में अनेक श्रुतियों के साथ साथ विरोध होने से स्वर्ग में नित्यत्व आदि का श्रवण अपेक्षित है, अर्थात जितने अनित्य या दुख मिश्रित पदार्थ हैं उनसे स्वर्ग अधिक स्थायी है और उसमें दुख का मिश्रण भी कम है, अतः संभव होने से प्रथम प्रसंग निर्थक है। रह गई द्वितीय और तृतीय प्रश्न की बात, उसमें चित्त शुद्धि के द्वारा कर्म के ज्ञानांग होने पर भी श्रुति तात्पर्य के साथ विरोध न होने के कारण ज्ञान और कर्म को अभिन्न मानकर अगस्त्य मुनि सुतीक्ष्ण ब्राह्मण के प्रश्न का उत्तर देते हैं। अगस्त्य मुनि ने कहा, जैसे आकाश में दोनों ही पंखों से पक्षी उड़ते हैं, एक से नहीं, वैसे ही ज्ञान और कर्म दोनों से परम पद की प्राप्ति होती है। तात्पर्य यह है कि जैसे आकाश मार्ग जाने वाले पक्षी अपने अभिष्ट देश में जाने के लिए दो पंखों के द्वारा ही उड़कर जा सकते हैं, एक से नहीं, वैसे ही तद्विष्णु परम पदम इत्यादि श्रुति से जिस परम पद रूप कैवल्य का वर्णन किया गया है,
उसको अधिकारी लोग अपनी आत्मा में ही ज्ञान और कर्म दोनों से प्राप्त कर लेते हैं। अतः ज्ञान और कर्म दोनों मोक्ष के कारण हैं। केवल कर्मों से या केवल ज्ञान से मोक्ष नहीं होता, किंतु ज्ञान और कर्म दोनों से मोक्ष होता है। अतः ब्रह्मज्ञ बड़े बड़े मुनि कर्म और ज्ञान दोनों को मोक्ष के साधन मानते हैं, इसलिए अनुभव सिद्ध विषय में किसी प्रकार का संदेह नहीं करना चाहिए। इस विषय में एक प्राचीन इतिहास कहता हूँ। प्राचीन काल में संपूर्ण वेदों के ज्ञाता कारुण्य नाम का एक ब्राह्मण था। उसके पिता का नाम अग्निवेश था। गुरुजी से वेद और सभी वेदांग शास्त्र आदि का पूर्ण रूप से अध्ययन कर वह कारुण्य अपने घर आया। घर आकर वह संध्या वंदन आदि कोई कर्म नहीं करता था, बल्कि उनमें अनेक तरह के संदेह करने लगा। अपने पुत्र को यूँ कर्म रहित अतएव निंदे देखकर अग्निवेश ने उसके हित के लिए ये वचन कहे, हे वत्स, ये क्या कर रहे हो? अपने कर्मों का पालन क्यों नहीं करते? तो भला बतलाओ तो सही, यदि कर्म न करोगे तो तुम्हें सिद्धि कैसे प्राप्त होगी? और यह भी बतलाओ कि तुम्हारी कर्मों में प्रवृत्ति क्यों नहीं होती? अपने पिता के यूँ पहुँचने पर कारुण्य ने कहा, श्रुति और स्मृतियों ने जीवन पर्यंत अग्निहोत्र, संध्या वंदन आदि प्रवृत्ति रूप धर्मों का विधान या प्रतिपादन किया है, एवं जिन्हें उत्तम स्वर्ग प्राप्त नहीं है उनको उत्तम स्वर्ग वालों की उत्कृष्टता ऐसा ही प्रतीत होती है। समान स्वर्ग वाले एक दूसरे के साथ ईर्ष्या, स्पर्धा, विद्वेष आदि करते हैं, और उत्तम स्वर्ग वाले अपनी अपेक्षा हीन स्वर्ग वालों की हीनता अर्थात अल्प सुख देखकर संतोष करते हैं। जब तक पुण्य क्षय नहीं होता तब तक स्वर्गवासी में उत्तम, मध्यम और अधम सुख का अनुभव करते काल यापन करते हैं। तदंतर पुण्यों के क्षीण होने पर इसी मनुष्य लोक में आकर जन्म ग्रहण करते हैं। महाराज, स्वर्ग में यही गुण और दोष विद्यमान है। स्वर्ग के यही गुण और दोषों को सुनकर महाराज बोले, देवदूत, मैं ऐसे स्वर्ग भोग की इच्छा नहीं करता। जैसे सांप पुराने केचुली को छोड़ देता है, वैसे ही मैं आज से महाउग्र तप करके इस घृणास्पद शरीर को छोड़ दूंगा। हे देवदूत, आप इस विमान को लेकर देवराज इंद्र के समीप जैसे आए थे वैसे वापस चले जाइए, आपको नमस्कार है। देवदूत ने कहा, सुंदरी, राजा के योग कहने पर वह निवेदन करने के लिए इंद्र के पास गया। वहाँ जो वृतांत हुआ था वह सब मैंने देवराज इंद्र को कह सुनाया। राजा अरिष्टिनेमी की स्वर्ग के प्रति विरक्ति देखकर इन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर महेंद्र ने मधुरवाणी से मुझसे पूछा, हे दूत, तुम फिर वहाँ जाओ और उस विरक्त और राजा को ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति के लिए तद्वज्ञ महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में ले जाओ, और महर्षि वाल्मीकि से मेरा यह संदेशा कहो कि महर्षि इस विरक्त विनीत और स्वर्ग के प्रति निष्पह राजा को तत्व ज्ञान का उपदेश दीजिए। तत्व ज्ञान के उपदेश से संसार दुख से पीड़ित वह क्रमशः मुक्ति को प्राप्त होगा। यह कहकर देवराज ने मुझे राजा के पास भेजा। मैंने वहां जाकर इंद्र के संदेश के साथ राजा को वाल्मीकि जी के समीप उपस्थित किया, और राजा ने महर्षि से मोक्ष के साधन के विषय में जिज्ञासा की। तदंतर वाल्मीकि जी ने राजा से प्रीतिपूर्वक देश, धन, पुत्र, तप आदि के प्रश्न द्वारा आरोग्य कुशल पूछा। राजा ने कहा, भगवान, आप सब धर्मों के तत्वों को जानते हैं और जितने ज्ञातव्य विषय हैं उन सबके आप ज्ञाता हैं। मैं आपके दर्शन कृतार्थ हुआ, यही मेरी कुशल है। भगवान, इस समय मैं जिज्ञासु और संसार दुख से कातर हूँ। जिस भांति विघ्न न आवे वैसे मुझे तत्व का उपदेश दीजिए, जिसे मैं संसार बंधन रूप पीड़ा से मुक्त हो जाऊँ। वाल्मीकि जी ने कहा, राजन, सुनिए, मैं अखंड तत्व प्रतिपादक रावण की कथा कहूँगा। यतन पूर्वक उसे सुनकर एवं हृदय में धारण कर आप जीवन मुक्त हो जाएंगे। उक्त रामायण वशिष्ठ राम संवाद स्वरूप है। वह मुक्ति का आदित्य उपाय अत्यंत कल्याणकारी है। हे राजेंद्र, आप उसे समझने में समर्थ हैं और मैं भी उसे जानता हूँ, इसलिए मैं आपको उसे सुनाता हूँ, आप सावधान होकर सुने। राजा ने कहा, हे तत्वज्ञानियों में श्रेष्ठ राम कौन है? उनका कैसा स्वरूप है? वे किस वंश में उत्पन्न हुए थे? वे वध थे अथवा मुक्त? पहले आप मुझसे यही निश्चय कर कहने की कृपा करें। राधे राधे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आगे का पाठ अगली वीडियो में अवश्य सुने। यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। श्री राधे राधे। धन्यवाद।